रेनु और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब कुकिंग मास्टर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बाटी चोखा। आग की सिकी हुई बाटी चोखा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल नए तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं रेसिपी बनाने। चोखा या भत्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बैंगन लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, थोड़ा ऑयल लिया है, 3 से 4 लहसुन की कली लिए है, थोड़ा हींग लिया है। तो बैंगन को हम पहले बीच से चीरा लगा लेंगे। चीरा लगाने से हमें पता चलेगा बैंगन खराब तो नहीं है, कीड़े नहीं हैं, तो बैंगन हमारा बिल्कुल सही है। बैगन में हमने चीरा लगा लिया, अब हम इसमें थोड़ा हींग डालेंगे। दो लहसुन की कली हम इसमें खोस देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बाकी बैगन भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। ऊपर से हम इसमें थोड़ा ऑयल लगा देंगे, इसमें छिकला जब हम भूने बैगन तो छिकला आसानी से हट जाए। तो हम रखेंगे भूनने के लिए। तो गैस जला के हमने बैगन को भूनने के लिए रख दिया है। बैगन भूनने के बाद हम टमाटर भी इसी तरीके से भून लेंगे। जब तक हमारे बैगन और टमाटर भून रहे हैं, तब तक हम सत्तू की तैयारी कर लेते हैं बाटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है चने का सत्तू। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप यहाँ पर बेसन को भूनकर सत्तू बना सकते हैं। अगर बेसन नहीं है तो चने को भूनकर उसे अच्छे से मिक्सर जार में पीस लीजिए, सत्तू तैयार हो जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया अजवाइन, इसे हम क्रश करके डाल देंगे इसमें। इसमें डालेंगे काली मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है नींबू का रस, ये भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटी प्याज, प्याज को ऐड डाल देंगे, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा लहसुन, बारीक कटा अदरक और बारीक कटा धनिया पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। थ्री टेबल स्पून मैंने लिया यहाँ पर सरसों का ऑयल, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा अचार का मसाला। तो आपके पास जो भी अचार हो, आम का अचार हो, मिर्च की अचार हो, जो भी हो, आप थोड़ा इसमें मसाला इस तरह से ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि अब ये थोड़ा ड्राई लग रहा है। तो थोड़ा हम इसमें डालेंगे पानी के छींटे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाटी बनाने के लिए सत्तू हमारा तैयार है। बैंगन और टमाटर हमारे भून चुके हैं, जब तक ये ठंडा होता है हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो बाटी का आटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा गेहूं का आटा लिया है, आधा मैदा लिया है। आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा ले सकते हैं, या तो पूरा मैदे के आटा में भी बनाया जा सकता है। तो हम इसमें डालेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून मैंने यहाँ अजवाइन लिया, इसे क्रश करके डाल देंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से बहुत ही खस्ता बनता है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने, ये भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम पानी डालकर इसका एक टाइट आटा तैयार कर लेंगे। तो आटा देखिए हमारा तैयार हो गया है। आटा हम जिस तरह से रोटी बनाते हैं उसे थोड़ा टाइट आटा लगाना है। तो अब हम इसे 10 मिनट ढककर रख देंगे और अब हम बनाएंगे चोखा।
बैगन और टमाटर को छील के हमने मैश कर लिया है। अब हम 3 से 4 उबले हुए आलू मैश किया हुआ डालेंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज, 2 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को इस तरह मोटा मोटा कूट लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बारीक कटा धनिया पत्ता, हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चोखे में, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चोखा हमारा तैयार हो चुका है, अब हम चलते हैं भाटी बनाने। मिनट हो चुके हैं आटे को हम एक बार और हल्के साथ से मसल लेते हैं। आटा हमारा परफेक्ट हो चुका है, अब हम भोरे बनाएंगे बाटी। बाटी बनाने के लिए एक छोटी लोई लेंगे, जिसमें जितनी बड़ी हम पूड़ी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी हमें लोई लेना है। उसे बनाएंगे, बना लिया है, अब हम इसमें सत्तू वाला फिलिंग भरेंगे। तो भरेंगे और इसको चारों तरफ से दबा कर बंद कर देंगे। ऊपर का एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, फिर थोड़ा इसको प्रेस कर देंगे और देखिए हमारी एक बाटी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से बाकी की बाटी बनाएंगे। हमारी सारी तैयार हो गई है, अब हम चलते हैं डीप फ्राई करने। तो हमने डीप फ्राई होने के लिए डाल दिया है। डीप फ्राई जब एक तरफ हो जाएगा फिर हम इसे पलट कर दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे। ये हो चुकी है, अब हम इसे पलट लेंगे। ये हमारी दोनों तरफ से अच्छे से डीप फ्राई हो गई है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो बाटी हमारी तैयार हो गई, साथ ही साथ हमने कुछ हरे मिर्ची को भी फ्राई कर लिया है। अब हम चलते हैं प्लेटिंग करने। देखिए हमने बाटी चोखा की प्लेटिंग कर दी है और देखने में कितनी यम्मी लग रही है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ। बाय।